हेलो एवरीवन, सर, वेलकम बैक टू विजय सर एकेडमी। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 4। तो पार्ट 3 तक हम लोग ने कर लिया था, जिसके अंदर हम लोग ने क्या किया था, एक्सपांशन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग ने देखा था। हम लोग ने एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड भी देखा था लास्ट लेक्चर में, सॉरी एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई भी हम लोग ने देखा था, जिसके अंदर बैकवर्ड लेबर कर्व के बारे में जाना था। तो ये पर्टिकुलर लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू, कि ये कॉस्ट क्या होता है, ये रेवेन्यू क्या होता है, ये कॉस्ट मतलब कोई भी अगर एंटरप्रेन्योर, कोई भी कंपनी अगर चालू कर रहा है तो उसे बहुत सारे कॉस्ट इंकर करने पड़ते हैं, बहुत सारे कॉस्ट लगाने पड़ते हैं अलग अलग चीजों के। जैसे अगर कोई भी चीज आप प्रोड्यूस करते हो, कोई भी चीज आप प्रोड्यूस करोगे उसमें आपको लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारी चीजें आपको लानी पड़ती है। अब ये सारी चीजें अगर आप लेके आते हो तो इन सबको लाने में कुछ ना कुछ खर्चा होगा, उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसे क्या कहा जाता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर कॉस्ट इंकर कर रहे हो, अगर आप लैंड ले रहे हो तो उसपे आप रेंट लगाओगे, आपका कॉस्ट है। लेबर ले रहे हो तो उनको वेजेस पे करना होगा, वो आपका कॉस्ट है। कैपिटल ले रहे हो तो उसपे आप इंटरेस्ट पे करोगे, वो आपका कॉस्ट है। तो ये सारी चीजें आपको इंकर करनी पड़ती है। देख लेते हैं थियरी क्या है इसके अंदर। व्हेन एंटरप्रेन्योर अंडरटेक एन एक्ट ऑफ द प्रोडक्शन, यस टू वेरियस इनपुट लाइक अ रॉ मटेरियल लेना पड़ता है, उनको लेबर लेना पड़ता है, कैपिटल चीजें जैसे डालनी पड़ती है। ही हैज टू मेक अ पेमेंट ऑफ सच इनपुट, उनको पेमेंट करनी पड़ती है सारे के सारे इनपुट की। द एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन दिस इनपुट नोन एज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो भी चीजें मैंने ऑलरेडी बता दिया इसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन नीड ऑफ आउटपुट, जितना आउटपुट आपको चाहिए उतना आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता रहेगा। आगे देख लेते हैं टोटल कॉस्ट होता क्या है। मेनली तीन टाइप के कॉस्ट होते हैं, टोटल कॉस्ट हो गया, एवरेज कॉस्ट हो गया और मार्जिनल कॉस्ट हो गया। तो एग्जाम में आपको किसी भी दो कॉस्ट के बारे में लिखने बोल देंगे और 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ लेंगे, राइट अबाउट टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट 4 मार्क के लिए। काफी इजी है, आराम से लिख सकते हो, चीजें सब समझ में आनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं इसमें। टोटल कॉस्ट इज अ टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द फर्म ऑन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट क्या होता है, जितना भी पैसा आप लगा दे रहे हो किसी चीज के प्रोड्यूस करने के लिए उसे टोटल कॉस्ट कहा जाता है। गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल कॉस्ट अगर मैं आगे बोलूं, टोटल कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो टोटल फिक्स कॉस्ट, दूसरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होता है, जब आप कोई भी कॉस्ट आप फिक्स एसेट पर लगाते हो तो उसे टोटल फिक्स कॉस्ट कहा जाता है। इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे आपको लैंड खरीदना है, आपको मशीनरी खरीदनी है, वैसे चीजों को खरीदने में पैसा अगर आप खर्चा करते हो तो उसे फिक्स कॉस्ट कहा जाता है। वहीं अगर दूसरे केस में मैं बोलूं कि कुछ ऐसे खर्चे हैं जो रोज के हैं, जैसे आपको लेबर को सैलरी देनी है, रॉ मटेरियल खरीदना है, आपको पावर का पैसा देना है, तो ये सब खर्चे ये तो रोज के खर्चे हैं। तो ऐसे खर्चों में जो आपका कॉस्ट लगेगा उसे वेरिएबल कॉस्ट कहा जाता है, जो कि चेंज हो सकता है। एक बार लाइट बिल कम भी आ सकता है, ज्यादा भी आ सकता है, अगर लेबर को आप आज ज्यादा दे रहे हो कल कम भी दे सकते हो, इसे वेरिएबल, ये चेंज होता रहता है, चेंजेबल कॉस्ट जो होता है उसे वेरिएबल कॉस्ट कहा जाता है। प्रोडक्शन कॉस्ट आर दोज एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन व्हिच आर इनकर्ड ऑन अ वेरिएबल फैक्टर, जो भी वेरिएबल फैक्टर मैंने आपको बताया उसके ऊपर खर्चे होते हैं। तो आगे आपका एवरेज कॉस्ट, तो एवरेज ये वर्ड जब आप सुनते हो तो आपके दिमाग में ये चीज तो आती होगी, एवरेज कैसे निकाला जाता है कोई चीज का, हम टोटल लेते हैं नीचे यूनिट से डिवाइड कर देते हैं। हमने ये 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स में भी पढ़ा है किसी भी चीज का एवरेज कैसे निकाला जाएगा, हम टोटल लेंगे उसे यूनिट से डिवाइड कर देंगे। सेम चीज ये वाला कॉस्ट है, जो आपका टोटल कॉस्ट होगा उसको यूनिट से डिवाइड कर देना है। एवरेज कॉस्ट क्या होता है, एवरेज कॉस्ट रिफर टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, एक यूनिट का भाव निकालने को बोला जाता है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कितना रुपया लगा एक प्रोडक्ट को बनाने में ये निकालना है ना, तो जितना भी प्रोडक्ट को बनाने में पैसा आपका खर्चा हुआ डिवाइडेड बाय यूनिट कर दो, आपका अमाउंट आ जाएगा। आगे देखते हैं, एग्जांपल इजी लिखा है, एसी इज इक्वल टू टीसी अपॉन टीक्यू, टीसी आपका टोटल कॉस्ट है, टीक्यू आपका टोटल क्वांटिटी है, टोटल क्वांटिटी है। इसमें अगर एग्जांपल क्या दिया हुआ है, कोई चीज को प्रोड्यूस करने के लिए इफ अ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 40 यूनिट, 40 यूनिट बनाने के लिए अगर आपका 800 रुपया खर्चा हुआ तो एक यूनिट बनाने का कितना, तो 800 डिवाइडेड बाय 40 करोगे आपका आंसर आ जाएगा 20 पर यूनिट, 20 रुपया खर्चा हो रहा है आपका, एवरेज कॉस्ट कितना है 20 रुपीज। इजी है, काफी इजी कैलकुलेशन है, आराम से कर सकते हो, खुद भी उसे देख सकते हो। तो गाइस आगे हमारा है मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट के बारे में अगर मैं बोलूं तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब आपको, जैसे कि हमने बाकी के दो कॉस्ट पढ़े
उनके कंपेयर में ये कॉस्ट अगर आप पढ़ोगे तो आपको एक बार समझ में नहीं आएगा। तो चीजें आराम से सुनना, समझ में आ जाएंगी, काफी इजी कॉन्सेप्ट ये हो जाता है। मार्जिन कॉस्ट इज अ नेट एडिशन मेड टू अ टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग वन और मोर यूनिट। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई चीज को बनाने में मेरा 400 रुपया खर्चा हो रहा है, जैसे 5 यूनिट बनाने में 400 रुपया खर्चा हो रहा है, अब जब मैं छठवां यूनिट बनाऊंगा तो 420 रुपया खर्चा होगा। तो यानी वो जो 20 रुपया है वो एक यूनिट का भाव है, यानी आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है वो 20 रुपया आ जाएगा। नहीं समझ में आया? इसमें का एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें का एग्जांपल क्या है, जैसे आपको 4 यूनिट बनाने में 200 रुपये का खर्चा आ रहा है, उसी तरह से अगर आप 5वां यूनिट बनाते हो तो आपको 250 का खर्चा आता है, 200 लगता है आपका 4 यूनिट बनाने में और 250 लगता है आपका 5 यूनिट बनाने में। तो आपका जो 50 रुपया जो ज्यादा लगा है वो एक यूनिट को बनाने में लगा है, एक यूनिट को बनाने में 50 रुपया ज्यादा लगा है। तो आप बोल सकते हो कि 250 - 200 इज योर 50 इज योर मार्जिनल कॉस्ट। बहुत ज्यादा इजी है, अगर आप आसानी से देखोगे इसके अंदर तो चीजें समझ में आ जाएंगी। आगे है आपका रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। तो जैसे आपका कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट था सेम वैसे रेवेन्यू वाला भी है। रेवेन्यू मतलब पैसे के आने की बात हो रही है। कॉस्ट में क्या हो रहा था, पैसे जा रहे थे ना, इसमें पैसे आपको आएंगे। इसमें जो आपका कॉस्ट है वो पहले आपका टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू की बात करूं तो कितना आपको पैसा मिल रहा है। जैसे अगर आपने क्या किया है, 200 यूनिट बेचा और एक यूनिट का भाव था 15 रुपया, तो टोटल आप 3000 रुपये कमा सकते हो। अगर 200 यूनिट आपने बेचा, 15 रुपये का एक यूनिट था, तो आपको 3000 रुपये आराम से मिल सकते हैं। वहीं पे आपका टोटल रेवेन्यू इस तरह से निकल जाएगा। अगर आगे है आपका एवरेज कॉस्ट, सॉरी एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू में की बात करूं मैं, अगर एवरेज कैसे निकलता है, मैंने ऑलरेडी बताया कि जब आपका टोटल डिवाइडेड बाय यूनिट होगा तो आपका एवरेज निकल जाएगा। तो टोटल डिवाइडेड बाय यूनिट यहाँ पे करना है, टोटल आपका 3000 रुपये आ रहे थे, एक यूनिट था आपका 15 का, यानी आप एक एक चीज पे 200 रुपये कमा रहे हो एवरेज। तो एवरेज आपका निकलता है टोटल डिवाइडेड बाय यूनिट, उसको बोलते हैं एवरेज कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू। रेवेन्यू की बात करेंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू भी पढ़ना पड़ेगा। अब मार्जिनल रेवेन्यू होता क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू में क्या होगा कि जो आपकी चीजें होंगी, जो इसमें देखो, अगर आप देखोगे इसमें एग्जांपल जो दिया है, अगर 20 टेबल बेच के 4000 रुपये कमा रहे हो तो 21 टेबल बेच के कितना कमाओगे, लिखा है उसके अंदर 4200। अगर 20 टेबल बेच के 4000 रुपये आप कमा रहे हो तो 21 टेबल बेच के 4200 रुपये कमा रहे हो, तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू जो आएगा वो आएगा 4000, आपका 4200 - 4000 आएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 200। यानी आपका जो मार्जिन रेवेन्यू था वो 200 आ गया। अब मार्जिन रेवेन्यू आपका 200 आ गया अगर, तो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि मार्जिन रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। चीजें थोड़ी थोड़ी सी टफ लगेंगी मगर आपको आसानी से याद हो जाएंगी। तो आपको कॉस्ट वाला फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं वो लोग 4 मार्क के लिए, तो प्लीज सारे कॉस्ट को स्किप मत करना, काफी इजी है, 1 से 2 बार पढ़ोगे आसानी से चीजें याद हो जाएंगी। मैं तो बोलता हूँ सारी चीजों के नोट्स बना के अभी से रखना चालू कर दो, आपके स्कूल कॉलेज जब खुलेंगे तब खुलेंगे, लेकिन अभी अगर आपको अपना नोट्स बनाना है तो आप आसानी से लेक्चर सुन के नोट्स को बना सकते हो खुद से। और अगर एक बार नोट्स बन गया, नोट्स को बनाना चालू कर दिया, पढ़ना चालू कर दिया आप अगर अभी से, तो बाकी और कई लोगों से आप आगे रहोगे, क्योंकि आज नहीं तो कल स्कूल कॉलेज चालू होगा, 12th का एग्जाम आपको देना ही है, तो क्यों ना आज से हम अच्छे से स्टडी चालू कर दें। तो गाइस ये पर्टिकुलर चैप्टर में सारे टॉपिक्स तो खत्म हो चुके हैं, तो अगली बार हम एक नए चैप्टर के साथ आएंगे। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अभी के वीडियो में बस इतना ही, अगली बार नए वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।